राहुल पटेल बड़ा टिगरिया से। क्या लेके आए? लहसुन लेके आए। कितनी बोरी लहसुन है? कितनी बोरी है? 6 कट्टा है आज का। 29 कट्टे हैं। क्या भाव गया ये? आज गया 12,500 रुपए। आज ऊपर में भाव क्या गया लहसुन? ये आज ऊपर में ही गया है भाव। नीचे में कल बिका, परसों बिका था, यही 11:30 बिका था। अच्छा, कौन सी क्वालिटी का है ये? अमरेटा है। अमरेटा है। और कितने बीघा में बोया था अपने? ये तो शायद 1 बीघे का ही है। उत्पादन कितना आया था? उत्पादन अब बहुत कम है। अच्छा, और आज जो सरकारी बोली चालू हो गई है तो प्राइवेट सरकारी में कितना अंतर है? सरकारी फायदा है, सरकारी में तो 1,000 में पकड़ लूंगा। क्या नाम है? प्रकाश राठौर। कहाँ से आए? कछलिया गाँव। कितना लहसुन लाए? मैंने लाया था 40 कट्टे। कौन सी क्वालिटी का है? ये 2200 G2 लाया था। अच्छा, क्या भाव गया आज? ये गया 12,800। अच्छा हाँ, कितने बीघा बोया था अपन ने? ये तो अपन ने 5-6 बीघे का बोया हुआ है। अच्छा, उत्पादन कितने में आया? उत्पादन तो यही 20 क्विंटल बीघे का आ रहा। अच्छा, प्राइवेट आज सरकारी बोली शुरू हुई, प्राइवेट सरकारी में कितने अंतर? बहुत अंतर रहता है, किसानों के यहाँ सुनवाई नहीं होती है, वहाँ किसानों की सुनवाई होती है। अच्छा, और हाँ, और अब यहाँ क्या है कि इनको जो मर्जी भाव हो तो छोड़ना पड़ती बोली। अच्छा, मतलब परेशानियों का सामना करना। हाँ। अच्छा, आज अधिकतम भाव कितना गया? तो अधिकतम 13,000। न्यूनतम तो अभी जैसे 2,000-4,000 भी बिक रही है, हल्का वाला। अच्छा, हल्का वाला कितना माल आया होगा मंडी में? मंडी में होगा 40,000 कट्टे। 40,000। आज आज सबसे ज्यादा आवक रही मंडी में। कौन कौन सी क्वालिटी का आता है अपने यहाँ? ये G2 आता है, देसी आता है, हाँ सब तरह का लहसुन आता है। क्या नाम है आपका? मनोज पटेल। क्या लेके आए? लहसुन। कितनी बोरी लाए? 41 बोरी। 41 बोरी लाए। आज सरकारी बोली अब लगना शुरू हो गई है, तो क्या फर्क पड़ेगा इसका? अब फर्क तो आज बिके बाद मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं, क्या प्राउड बिक रहा है और क्या सरकारी बिका है। ये तो ये बिकने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं। इसका कोई रेट पे असर पड़ेगा? रेट पे असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, किसान को कितना फायदा कितना नुकसान? किसान को तो फायदा क्या, बराबरी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होती तो। अच्छा, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं? कोई नुकसान और कोई फायदा भी नहीं है। कितने बीघा में बोई थी अपन ने लहसुन? ये 5 बीघा में बोई थी। उत्पादन कितना आया? उत्पादन आया 40 कट्टे बीघे का। कौन सी क्वालिटी का लहसुन है? ये J2। आज क्या भाव रहने की संभावना है? अब आप देखते हैं, नीलामी में और चालू हो गई है, आने में फर्क पड़ेगा। आने वाले दिनों में अब राजस्थान से भी लहसुन आएगा, गुजरात से भी आएगा, तो इसका कोई फायदा भी नहीं? वो तो फिर आएगा तो घटा ही जाएगा, असर पड़ेगा भाव पे। तो आने वाले समय भाव बढ़ने की कोई संभावना है? हाँ, भाव तो बढ़ेगा, लहसुन सब खत्म हो गई है। क्या नाम है आपका? मनोज पटेल। आज प्राइवेट बोली भी लगी है, सरकारी बोली लगी है, प्राइवेट और सरकारी में कितना अंतर है? सरकारी में अच्छा है काम। प्राइवेट में कैसा था? मेरे को नहीं जमा, हमने तो बेचा ही नहीं कभी प्राइवेट में। आज सरकारी में बेचा है? हाँ, पहले हमेशा सरकारी में बेचता है। अच्छा, तो इतने दिन फिर प्राइवेट चली तो फिर? नहीं, हमने बेचा ही नहीं अभी। क्या नाम है? सुनील सिसोदिया। कहाँ से आए? हाथोद के पास एक गाँव माता बरौड़ी। क्या लेके आए? लहसुन। कितनी बोल रहा है? 35 कट्टे। क्या भाव गया आज? आज मेरा मोटा माल गया 10,850। ये वाला कौन सी क्वालिटी का है? ये आमलेट। 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 हाँ। अच्छा, और कितने बीघा का है? 1 बीघा। कितना आया उत्पादन? 40 से 45 कट्टे बीघा के। आज अधिकतम भाव कितना गया होगा? अधिकतम भाव अभी तक 12,500-12,500 रुपए देखने को मिला है। नीचे में? नीचे में 4,3500-4,800 तक भाव लगातार गिर रहे हैं। हाँ, लगभग गिर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आने वाले समय में संभावना बढ़ने की? बढ़ना तो चाहिए, लेकिन संभावना दिख नहीं रही कि बढ़ेगा। अभी माल को रोकना पड़ेगा थोड़ा, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, और आज सरकारी बोली भी लगी है तो प्राइवेट सरकारी में कितना अंतर है? प्राइवेट और सरकारी में समझ लो 500 रुपए का अंतर तो आ ही गया, इधर 500 रुपए कम भी की, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तो फिर देख सकते हैं फिर क्या होगा उसमें। किसानों को क्या फायदा नुकसान इसका? अभी तो नुकसान है, अब आगे देखते हैं इसका।